इंदौर सहकारी दुग्ध संघ से संबद्ध देपालपुर तहसील की दुग्ध सहकारी समिति सातेर में 12,32,000 रुपए का बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन इंदौर सहकारी दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य व दुग्ध संघ संचालक प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता व दुग्ध संचालक सुरेश पटेल के विशेष आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। दरअसल आयोजन का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का पूजन कर किया गया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष मोहम्मद वसुद्दीन, समिति सदस्यों, सचिव द्वारा अतिथियों का शाल श्रीफल से स्वागत किया गया। इसके साथ ही 12,32,000 रुपए का बोनस वितरण भी किया गया। बोनस मिलने से लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी देखने को मिली। इस मौके पर दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने आयोजन में शामिल लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने कहा कि सातेर दुग्ध समिति द्वारा बोनस वितरण का आयोजन किया गया। आज हमने किसान भाइयों को 12,32,000 का बोनस वितरित किया है, तो वहीं कोरोना काल व पुलवामा हमले में शहीद परिवार की सहायता के लिए भी राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि दूध के क्रय भाव भी बढ़ा दिए गए हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए 6.30 रुपए का भाव कर दिया गया है। अप्रैल माह में भी दूध के क्रय भाव में वृद्धि की जाएगी। सातेर दुग्ध समिति द्वारा बोनस वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 10,32,000 रुपए दुग्ध समिति सातेर का बोनस था और 2,00,000 रुपए का जो बोनस है इंदौर दुग्ध संघ का था। आज हमने हमारे किसान भाइयों को 12,32,000 रुपए का बोनस वितरित किया। और प्राइवेट व्यापारी में और दुग्ध संघ और दुग्ध समिति में यही फर्क होता है। जहाँ एक और प्राइवेट व्यापारी मुनाफा कमाकर वो खुद के लिए करता है, और अगर दुग्ध समिति और दुग्ध संघ मुनाफा कमाते हैं उसमें से वापस अपने सदस्यों को देते हैं, और आज उसी का परिणाम है कि सातेर की दुग्ध समिति ने 12,32,000 रुपये का बोनस वितरित किया। साथ ही साथ जब कोरोना काल में भी हमारी दुग्ध समिति ने 31,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए, और पुलवामा हमले में जब शहीद हुए थे सैनिक हमारे, उस समय भी हमारी समिति ने 31,000 रुपये दिए थे उन शहीद परिवारों की सहायता के लिए। और आज का जो कार्यक्रम भी हमारा यही था। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारी योजना इंदौर दुग्ध संघ अपने सदस्यों के लिए चलाता है। अभी हमने हाल ही में 11 मार्च से दूध के क्रय भाव भी बढ़ा दिए हैं। एक तरफ कोरोना चल रहा है, पर दूसरी तरफ महंगाई भी चल रही है। किसानों की समस्याओं को हमने ध्यान में रखा और 6.30 रुपए का भाव हमने कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगामी माह में, अप्रैल के माह में भी हम दूध के क्रय भाव और बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार। देखा जाए तो दुग्ध सहकारी समिति सातेर में 12,32,000 रुपए का बोनस वितरण किया गया। इसके साथ ही दूध क्रय के भाव में भी वृद्धि कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देपालपुर।